राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया है। तो गाइस, पिछला वाला ब्लॉग पर आप सबने इतना प्यार दिया, दिल से धन्यवाद। तो आशा करते हैं इस ब्लॉग पर भी आप सभी का प्यार मिलेगा। तो गाइस, अभी हो चुका है गुड मॉर्निंग और देखिए धूप कितना तेज निकल चुका है। अभी बज रहा है 7:40 और हम थोड़ा देर हुआ मेरे को जगा हुआ, अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे थे, थोड़ा टाइम लग गया, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट किए। तो आज अभी जा रहे हैं दुकान पर क्योंकि आज है संडे, तो आज बनेगा चाय। तो जा रहे हैं दूध लाने और टोस्ट भी लाएंगे और जा रहे हैं, आज बने रहे जब ब्लॉग में कुछ अलग होने वाला है, आप सभी को देखने को मिलेगा। अभी जा रहे हैं दुकान पर, ले लिए यहाँ से पैसा, देखा गाइस मिल गया मेरे को 100 रुपया। जा रहे हैं दुकान पर सामान लाने, थोड़ा ज़्यादा सामान लाना है तो इसलिए 100 रुपया ले लिए हैं। तो जा रहे हैं दुकान पर। तो गाइस, दुकान से आ गए हैं और देखिए क्या क्या हम लाए हैं। ये रहा दूध, पावर दूध लाए हैं, ये साबुन मार्गो, और ये रहा मध, 10 रुपये का मध ही मिला, और ये टोस क्योंकि आज है संडे और आज करने वाले हैं कुछ फालतू काम। तो बने रहेगा इस ब्लॉग में, देखने को मिलेगा क्या वो फालतू चीज़ है जो आज करने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं। गाय अभी बना रही है दीदी चाय, देखिए दूध बैठा कर बाहर गई। ये देखिए ये दूध बैठ गया, अब इसमें क्या डालेगा, इसमें डालेगी अब चाय पत्ती, थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये चीनी और ये चाय पत्ती। ये देखिए कितना बड़ा तसली है गाइज, बहुत बड़ा है, मजाक कर रहे थे गाइज छोटा, बहुत छोटा है। और इसमें चाय पत्ती दीदी डाल दी और अब डालेगी चीनी। तो आप सबको दिखा दे रहे हैं चाय की रेसिपी, जिसको चाय नहीं बनाने आता है वो देखकर मेरा ब्लॉग प्लीज बना लीजिएगा। अब क्या डालेगी, क्या डालोगी? मरीच अब डाल रही है क्योंकि तभी तो स्वाद आएगा गाइज, कड़क चाय। वो नहीं है अदरक, अदरक नहीं है, और वो क्या डालाता है, हाँ इलायची, इलायची भी रही है, चाय पत्ती इलायची वाला है, तो वो काम चल जाएगा गाइज। और अब डालेगी, उसको कूटेगी जैसे हम छोटे पर कुटाते थे वैसे ही, अब उसको कूटेगी गाइस। देखिए कैसे कूटती है, उसमें डाल दी और बेलना से धाय धाय धाय। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा गाइस, दूध का कलर चेंज हो गया। ये है टोस जो कि फेवरेट है, ये देखिए सॉन्दी सॉन्दी कुछ है। और ये देखिए गाइस, आप सबको दिखाइए कि ये मध्य है, मिला है 10 का, कितना क्यूट सा लग रहा है। ये हो गया, अब इसमें डाल दें। गाइस चम्मच की कटोरी निकल गई, देखिए ये मेरा और दी का चम्मच कटोरी, और इसमें डाल दी जी मरीच, और अब डालेंगे चीनी, तब हमारा हो जाएगा चाय बनकर रेडी, तब पियेंगे हम। डाल रही है चीनी, देखिए कैसे डाल रही है, डाल दी वो चीनी। और गाइस गेस कीजिए हम मध क्यों लाए हैं, और एक देखे हैं मोबाइल पर कुछ करनामा, और करनामा करेंगे दूध का पानी, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, क्या वो सही है गलत है। और ये बन रहा है मेरा चाय, चाय रेडी हो गया गाइस, सिम सिम रेडी हो जा। तो गाइस इसमें अब डलाएगा, बन गया हमारा चाय रेडी, से रेडी हो गया। अभी डला रहा है, ये देखिए ये मेरा चाय, इसमें हम डाल देते हैं आराम से, पूरा खुल जाता है तब खाते हैं। ये रहा, ये खाएंगे ऐसे बोर बोर, और वो डाल कर खाएंगे। मिलते हैं चाय पीने के बाद और रोज खाने के बाद। चाय हम पी लिए, अच्छा था बट बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि थोड़ा चीनी की कमी आ गई थी, लेकिन दीदी के लिए अच्छा था। मैं ज़्यादा चीनी खाती हूँ और ज़्यादा नमक भी खाती हूँ मेरे को, और वो कम दोनों खाती है, नमक भी कम खाती है चीनी भी कम खाती है, उसके लिए अच्छा था, पर मेरे लिए थोड़ा सा कम था, लेकिन वैसे पी लिए क्योंकि। तो गाइस फिर मेरे को जाना है दुकान पर, बार बार हम ही जाते हैं। तो गाइस जाना है अभी एक नींबू लाने, तो जा रहे हैं नींबू लाने, उधर जाना पड़ेगा रोड पर, तो देख रहे हैं कपड़ा चेंज करके जाएंगे, तो ये तो फंड कर जाएंगे नहीं, रोड पर जाना है। और गाइस देखिए हम सैटरडे को बाल में तेल लगा लेते हैं, सरसों का तेल संडे को धोना रहता है, आप सब भी ऐसे कीजिए, एक दिन तेल लगा लीजिए पहले, तब तो थोड़ा बाल जो है ना मुलायम हो जाता है, ऐसे रुखापन नहीं आता है, तब
तो आएंगे तब आप सबको दिखाएंगे क्या वो फालतू काम है, बने रहिए। तो गाय दुकान से लाती है हम नींबू और गाय एक चीज दिखा रहे हैं, ये देखिए हम लोग का पूरा कपड़ा, ये रेसरानी से फिर से जा रहे हैं टांगने और ज़्यादा कपड़ा धोने को जा रहे हैं सब धोने, और ये बाजार से वहाँ गए थे रोड पर तो नींबू ला दिए, और ये बैठी रही दीदी चिंता में है, कहें चिंता में बाबू ए परीक्षा गाइड। आप सभी को बता दें कि इसका एग्जाम है ईपू पुलिस का जो कि पड़ गया है बहुत दूर, हम लोग बक्सर में रहते हैं, बक्सर से लगभग 700 किलोमीटर दूर है कासगंज जिला में इसका एग्जाम पड़ रहा है, तो वही सोच रही है तो कैसे दिलाएगा, तो कितना घंटा का है, 20 घंटा का ट्रेन से 20 घंटा का रास्ता है, तो वही कब से सोच रही थी इतना दूर पड़ गया एग्जाम कैसे जाएंगे कैसे दिलाएगा, क्योंकि नज़दीक पड़ रहा था तो हम और देर चले जाते एग्जाम ने, लेकिन बहुत दूर पड़ गया है क्योंकि उधर जाना है तो रुकना भी पड़ेगा, इसीलिए सोच रही है कैसे जाएँ, कब से वहीं सोच में पड़ी है, देखते हैं क्या होता है कैसे जाते हैं, क्योंकि पापा को लेकर जाना पड़ेगा, पापा जाएंगे वहीं पास में मेरी बड़ी बुआ रहती है, तो देखते हैं क्या होता है, उधर उधर ही रहेंगे, और पूरा कपड़ा सड़ने है तो पूरा कपड़ा धोना है, और वो नींबू और मध किस लिए लाए हैं आप सबको देखने को मिलेगा, तो किस लिए वो लाए हैं बने रहिए वो लोग में और देखिएगा। गाइस आज का फालतू काम है स्किन केयर जो कि मैं कभी नहीं आज तक हूँ 22 वर्ष के उम्र तक आज तक कुछ भी नहीं हूँ गाइस, लेकिन आज करने वाले हूँ, आप सबको वीडियो दिखाते हैं क्या वीडियो है उस वीडियो को देखकर। तो गाइस ये वीडियो है देखिए, अंधेरे से भी काले हो चांद की तरह चमका दूंगा, इतना ज्यादा गोरा कर दूंगा कि शीशे में खुद को बार बार नहीं आरोगे, उसके लिए आपने क्या करना है 2 चम्मच हल्दी को दही पर रोस्ट कर लेना, बॉल में निकाल लेना, 1 चम्मच हनी डाल देना, नींबू का रस डाल देना और कच्चा दूध अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना, जैसे ही सूख जाए वॉश कर लेना, इतने ज्यादा चमक जाओगे लगेगा चांद जमीन पर उतर आया है। अंधेरे से तो गाइस ये वाला अभी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आज का फालतू काम यही है गाइस, तो बने रहिए। अब मार्केट से नींबू भी ला दिए और सुबह गए थे दूध लाने, और क्या था दूध और हाँ ये शहद भी ला दी हूँ, अभी जा रही हूँ ये वाला ट्राई करने, पहले क्या हल्दी को तवा पर भून लेना है, तो जा रही हूँ हल्दी को भूनने, तो अपना ही मन भून रही है दीदी हल्दी कितना हल्दी 4 चम्मच 2 चम्मच तू और 2 चम्मच मैं 3 चम्मच 4 चम्मच हाँ इसको पहले हल्दी भुना जाएगा तब कटोरी में निकाल देना। तो गाइस हल्दी को भून लिए हैं और अब डालेंगे हनी यानी शहद, इसको खोलना है गाइस, खुल गया 1 चम्मच डालना है, 1 चम्मच डालिएगा अब डालेंगे नहीं ये ढक्कन कितना नींबू आधा पूरा ही होला 1 चम्मच वो भी डाला गया चम्मच आप चलो वो मिलाएंगे तो हो जाएगा, लेंगे दूध आधा नींबू रख देते हैं, डालेंगे कच्चा दूध पूरा मिक्स को गीला होगा ना तभी ना चार चम्मच डालते हैं, देखते हैं को मिक्स कर रहे हैं कुछ नहीं वीडियो बना रही है गाय देखिए अरे मोहन का फोन आया है क्या बकवास कर रही है तो गाइस अब इसको फेस पर अप्लाई करेंगे, इसका क्या होता है रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा, जा रहे हैं फेस पर लगाने गाइस अभी कटे ना तो गाइस जा रहे हैं अभी फेस पर अप्लाई करने, वो पेस्ट जो बनाए थे देखते हैं पहले का फेस देख लीजिए और बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। हाँ 20 घंटे का रास्ता है मुहल्ला पियन तो गाइड बन गए हैं हम भूत, तो इसको सूखने के लिए मतलब 10 मिनट छोड़ देते हैं, गाइड मेरा मजाक उड़ा रही है सब
और एक फोन पर है और एक ये है, बोल रही है देखना गोरा होने के चक्कर में काला मत हो जाना। तो गाइज मिलते हैं सूखने के बाद। गाइज अभी जा रहे हैं धोने, पूरा सूख गया है ये देखिए। ओह ये लाइट सुंदर बनी तो हमार का दोस्त। तो गाइज कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हुआ भी है कि नहीं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हल्दी वो डाला गया था थोड़ा पीला तो होना चाहिए, तो हुआ है थोड़ा लग रहा है, लेकिन बाकी कोई नहीं। उसमें बोला ठीक ना बड़ा बड़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो अभी जा दीदी जा रही है खाना बनाने के लिए, गोभी रख दी है उबलने के लिए, चावल सब्जी बनेगा। और जा रहे हैं अभी पानी लाने, बाहर बर्तन है तो बर्तन मांजेंगे, तब कपड़ा उपड़ा लेकर जाएंगे नीचे धोने खाने जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं, खाना बन जाएगा उसके बाद खा लेंगे, देखेंगे तब नहाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं, पहले जा रहे हैं बर्तन धोने। तो गाइस बर्तन धो दिए और अभी दीदी देख रही है मेरा ब्लॉग, ये देख रही है तो ब्रश करके चाय बनाएगी। जल्दी से जाइए, आप लोग भी फर्स्ट वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखे तो जल्दी से जाइए देख लीजिए और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए गाइस, प्लीज प्लीज कोई देख रहा है। तो गाइस जा रहे हैं अभी नीचे आंगन में धनिया और लहसुन लाने, क्योंकि हम लोग यही आंगन में रोक लिए हैं धनिया और लहसुन, तो जा रहे हैं नीचे धनिया और लहसुन लाने। अभी दीदी गोभी उबाल दी और आलू भी काट दी है, इसमें चावल चावल उसमें पक गया अभी नहीं बन रहा है चावल, और ये रहा लहसुन धनिया धनिया ना तो हो गया। तो गाइस अभी देखिए ये डिब्बा है, और ये डिब्बा में ये तेल हम लोग 11 किलो का डिब्बा है और ये पैकेट 1 किलो का है, तो पहले आधा तेल डाल देते हैं तब ऐसे रख देते हैं देखिए पेच मार के ताकि गिरे ना, और फिर इसमें तेल खत्म हो गया तो ये वाला तेल अब डालेंगे। पैकेट वाला तेल लेते हैं क्योंकि पैकेट वाला में ज़्यादा रहता है और डिब्बा वाला में कम रहता है और ज़्यादा पैसा भी लगता है, 10 रुपये ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए पैकेट वाला हम लोग लेते हैं। अब कैसे आप लोग कैसा वाला लेते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जा रहा है इसमें, अब भी सब्जी भी बन गया है लगभग, ये सब दीदी भून ली है और वो सब मसाला भी डालेगी, तेल डाल रही है, चावल भी बन गया है, तो जल्दी से अब खाना रेडी हो गया, भूख लगा है जोर से, खाना खा लेंगे उसके बाद जाएंगे नहाने। तो गाइस डिब्बा में तेल भर दिए और ये प्लोथिन को हम फाड़ दिए हैं, और ये क्या होगा खर्चा खर्च। तो गाइस बिहारी है, थोड़ा भी बर्बाद नहीं होने देंगे, मैं इसको बाल में ऐसे लगा लेने, देख लीजिए मेरा तरीका, नो पैसा बर्बाद। खत्म टाटा बाय बाय गाइस हो गया, जा रहे हैं अभी बाल बनाएंगे, बाल मेरा मुलायम हो जाएगा एकदम। तो गाइस सब्जी बन गया है, देखने में तो चटक लग रहा है देखिए, चलिए आप सबको दिखाते हैं कैसा बना, कैसा लग रहा है देखने में। अभी पकना बाकी है, सीज रहा है दीदी, अभी पानी डाली क्योंकि वो गाढ़ा होगा थोड़ा सा तब बन जाएगा, खाकर आप सभी को बताएंगे कैसा टेस्ट है और दिखाएंगे आप सभी को। तो गाइज खाना हम लोग का निकल गया, ये दीदी स्टार्ट भी कर दी, ये मेरा खाना देखिए कैसा लग रहा है, और ये रहा दूध जो सुबह में लाए थे थोड़ा बचा हुआ है, चाय भी बन गया और मुंह में लगा ली भी बच्चा हुआ, और ये सब्जी चावल जा रहे हैं खाने, और देखिए पीछे का बैकग्राउंड कितना सब बिखरा हुआ है, अभी तक पूरा अस्तित्व नहीं किया है। तो खाना खाने था जोर से भूख लगा है क्योंकि बज गया है 12 और भूख बहुत तेज लगा है, तो जा रहे हैं अब खाने। हम और दीदी खाना खा लिए और दिखाते हैं कितना बचा है, इतनी सा चावल बचा है और इतनी सा सब्जी बचा है, एक टाइम में हम और दीदी खाना खा लिए, वो ये वाला देखते हैं।
फिर उठेगा तो दो या तीन बजे कोई खा देगा। तो जा रहे हैं हम नहाने, पेट पूजा होगा क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी थी और बच गया है 12। खाना खा लिया तो कोई नहीं, सब्जी और चावल दोनों दीदी रख के जा रहे हैं नहाने और दीदी ये पूरा सामान रखेगी। हे गाइस, तो देखिए नहा कर आ गए हैं 12 बजे पर और अभी बच चुका है 1:30। अभी जाना है 2 बजे होम ट्रेनिंग डांस सिखाने। एक छोटी सी है लड़की, बहुत क्यूट है, आप सभी को भी मिलाएंगे। अभी जाना है 2 बजे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो जाना है जल्दी जल्दी, कपड़े पहनेंगे जल्दी जल्दी, रेडी होकर निकलेंगे। साइकिल से निकलना है, बहुत दूर है तो जाने में लग जाता है 20-25 मिनट। तो जा रहे हैं डांस सिखाने। इतना जल्दी जल्दी हो रही है, जा रहे हैं मिलते हैं आने के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं होम ट्रेनिंग डांस सिखाकर और अभी बज चुका है 3:30 और हम कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए हैं और दीदी चाट उट सारा धो दी है और घर कैसा लग रहा है देखिए। गर्मी के दिन में हम लोग ऐसे ही रहते हैं और दीदी भी नहा ली है, अभी दीदी नहाई क्योंकि सारा धोते धोते बेड शीट तकिया का खोल वोल सब स्वेटर इनर वनर शाल वाल सब धो दी है। बज चुका है 3:30 और जा रहे हैं, पानी वानी आ गया। तो गाइस आज संडे था तो हम सोचे तो रोटी बनाएंगे लेकिन सुबह से लाइट नहीं है, 9 बजे का लाइट कटा है। अभी बज गया 4:15 फिर भी लाइट नहीं है। रील्स कैसे बनाएंगे और शॉर्ट वीडियो और ड्राफ्ट भी नहीं है, ख़त्म हो गया सब, सोचे थे आज बना लेंगे, लाइट भी नहीं है कैसे बनाएंगे। गाइस लाइट आ गई है देखिए, दिल धन्य धन्य हो गया। अभी 4 बजे बोले कि लाइट नहीं है और 4:03 पर लाइट आ गया 3 मिनट में। तो अभी दीदी का मोबाइल लगा दिए हैं, थोड़ी देर दीदी का हो जाएगा उसके बाद हम लगाएंगे तो बनाएंगे रील्स। आप लोग देखिएगा क्या पहनते हैं कॉस्ट्यूम और कौन कौन सॉन्ग पर वीडियो बनाते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। और दीदी खाना खा रही है, देखिए दीदी खाना खा रही है, हमको भी भूख लगा है तो देखते हैं क्या खाएंगे। जा रहे हैं, दीदी बोल रही है चूड़ा भूनने के लिए तो चूड़ा भूनेंगे तो खाएंगे। जा रहे हैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने और लिख लेने किस किस सॉन्ग पर वीडियो बनाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। हेलो गाइस, तो अभी हो चुका है शाम को 6 बज चुका है, अभी थोड़ा प्रकाश है पर और अभी तक हम लोग बिछाए नहीं है, एक वो चटाई बिछेगा और लेवा खोलो नहीं, चट बड़ा वाला नहीं सूखा है, पर सूख जाएगा धूप चटक होगा तो। और देखते हैं शाम को क्या खाना बनेगा, खाना क्या बनेगा, तड़का रोटी गाइस बनेगा, तड़का रोटी चोखा जो अच्छा लगता है, तड़का रोटी चोखा किसको किसको अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, आप सभी को दिखाएंगे देखिएगा। और वहाँ पर दी दाल भे दी है ये देखिए पानी में, ताकि जल्दी से वो सीन जाए, देर नहीं लगेगा, जल्दी से सीन जाएगा। तो गाइस आज हम लोग घर पर रहे बस 1 घंटा के लिए गए थे, ये वाला देखिए ये दीदी कहाँ लगा दी मेरा बोर्ड, मतलब ये मेरे लिए जब हम गांव पर ट्यूशन कराते थे जब पापा लेकर आए थे, मेरी दीदी यहाँ लगा रही क्योंकि बोल रही है तब हम वहाँ पर रखे थे तो यहाँ लगा दी, बोल रही है हम मैथ्स बनाएंगे यहाँ पर आराम से बैठे बैठे। तो गाइज देखते हैं खाना कब बनता है और आज वीडियो भी बनाना है, तो नीचे वाले घर में लाइट नहीं था तो कब से तार पूरा जोड़ रहे थे, लाइट आ गया और वीडियो बनाएंगे, और उसको नीचे वाला घर का तार जल गया था तो लगभग 5 दिन से घर में वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि तार जल, आज संडे तो दीदी घर पर थी आज पूरा तार जोड़ दी। तो अब बनेगा शाम को वीडियो, तो खाना वाना बन जाएगा, खाना वाना खा लेंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे, बने रहिएगा देखिएगा कौन सा हमको बनाते हैं वीडियो। गाइस खाना बन गया, बना नहीं और ची बन गया है, और ची बनना है, ये देखिए तड़का और ये चोखा और ये रोटी, फर्स्ट रोटी बन रहा है और मेरा करतूत देखिए हम निकाल चुके हैं, अभी रोटी बना नहीं है, बैठे हैं रोटी बनेगा तब खाएंगे, खाने को जल्दी मन कर रहा है क्योंकि पहले ही खा लेंगे क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लेंगे उसके बाद वीडियो बनाना है क्योंकि पेट दर्द करने लगता है। तो गाइस ये रहा मेरा रोटी, बहुत जल रहा है मिलते खाना खाने के बाद। अभी कुछ दिखा रहे हैं आप सभी को, देखिए दीदी की चीज़ उठा रही है कढ़ाई और वो प्लेट, बर्तन नहीं धोना पड़ेगा,
इसीलिए खा रही है। और ये है गमला जिसमें रोटी बना था, आटा सनाया था। बोला जाता है जो कड़ाही में खाता है उसके शादी में बारिश होता है या उसका पेट कड़ाही जैसा निकलता है। खा खूब कड़ाही में, गाइस कड़ाही में खा रही है। तो गाइस मैंने सारा सामान निकाल लिया है, जा अभी रेडी होंगे क्या क्या वीडियो बनाने में क्या क्या पहनेंगे। तो ये सारा गहना और ये लहंगा पहनेंगे, पिंक लहंगा। और सॉन्ग है सबकी बराते आई मेरी भी आई। तो गाइस फाइनली हम रेडी हो गए हैं, और कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइए। तो अभी बज चुका है, कितना टाइम हो रहा है दी? 9:13 हो रहा है, और हम लोग जा रहे हैं नीचे वीडियो बनाने। सब लोग सो गया है गाइस, तो जा रहे हैं वीडियो बनाने नीचे। तो गाइस अभी बज चुका है 10:30 और मेरी वीडियो बन गई है, फाइनली मेरा वीडियो बन गई। अब जा रहे हैं ऊपर, किसान मन सब दे रही है, ये दीदी सब सारा सामान दे रही है। जा रहे हैं नीचे, ऊपर जा रहे हैं गाइस। गाइस जा चुके हैं ऊपर, अब जा रहे हैं सारा चक्कर और जा रहे हैं सारा कपड़ा वपड़ा चेंज करने। तो गाइस हम कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए हैं, और दीदी ये देखिए मच्छरदानी ला दी लगा दी है, और ये मेरा नींद में अकल बकल पता नहीं क्या। गाइस मेरा चक्कर बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों सिर दर्द कर रहा है। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, जैसे पिछले वाले ब्लॉग को आप लोग प्यार सपोर्ट जितना दिए हैं, प्लीज़ इस ब्लॉग को भी अब जितना हो सके उतना प्यार और सपोर्ट कीजिए। और जब तक ये ब्लॉग आएगा, मेरा शॉर्ट वीडियो आ गया होगा इस जो साड़ी वाला ये लहंगा पर जो बनाए, तो प्लीज़ आप लोग शॉर्ट मेरे वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।